रॉयल इनफील्ड एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक रॉयल्टी और एडवेंचर का प्रतीक है। ये एक ब्रांड ही नहीं है, करोड़ों लोगों का इमोशन जुड़ा है इस ब्रांड से। और जितने भी जो रोस्टर है, यंगस्टर है, या फिर जो लोग एडवेंचर का शौकिंग है, वो इस बाइक को या फिर इस ब्रांड को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो मेरे सामने गाड़ी आप देख रहे हैं, ये रॉयल इनफील्ड की तरफ से न्यूली लॉन्च शॉटगन 650 है, जिसके लिए बहुत दिनों से बहुत लोगों का वेट हो रहा था। तो फाइनली अब ये लॉन्च हो गई है और अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ये गाड़ी आ चुकी है। तो आज हम लोग इसका करने वाले हैं डिटेल रिव्यू, दिखाने वाले हैं क्या क्या फीचर्स इसमें आती है, क्या परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का और क्या प्राइसिंग होने वाला है, सारा कुछ आपके सामने हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है शॉटगन 650 और इसका जो कलर है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है सीट मेटल ग्रे कलर। इसके अलावा इसमें और दो कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जो कि अपने स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और चूंकि ये रोस्टर सेगमेंट की बाइक है, तो जो लोग इससे टूरिंग करना पसंद है, लॉन्ग रूट में जाना पसंद करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें कंफर्ट का काफ़ी खास ख्याल रखा है। तो चलिए देर ना करते हो, सबसे पहले मैं इसकी कीज से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपको कीज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, नॉर्मल आपको जैसे सारे ही गाड़ियों में मिलता है, उस टाइप का आपको कीज है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड की जो लोगो है वो आपको दिख जाएगी। और ओवरऑल एक बार मैं इसका वॉकराउंड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ फ्रंट से, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारा कुछ अब LED में आ गया है। और एक सबसे खास बात, ये देखिए, ये सारा कुछ फुल मेटल का है, इसमें कुछ भी खास वैसा प्लास्टिक यूज नहीं किया है। तो फ्रंट में आपको बड़ा सा आपको LED में आपको हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप सामने आएंगे तो यहाँ पे देखिए रॉयल इनफील्ड की आपको एक लोगो देखने को मिल जाएगी हेडलाइट में। और चूंकि ये मैन्युफैक्चर खुद रॉयल इनफील्ड करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड की एक लोगो आपको देखने को मिल जाती है। और चूंकि बहुत ही अच्छा थ्रो हो रहा था, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन भी था कि यार रॉयल इनफील्ड में जो हमारी बाइक से उसमें कब LED लाइट प्रोवाइड किया जाएगा, तो फाइनली अब रॉयल इनफील्ड में जितने भी बाइक है लगभग ऑलमोस्ट सारा ही सारा LED में आ गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लाइसेंस प्लेट के लिए स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल मेटल में यहाँ इसका मडगार्ड मिलता है। और यहाँ पे आपको दो अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाता है, जो कि अगेन बहुत ही कमाल और काफ़ी मस्कुलर लुक लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS ब्रेक मिलता है। और वो ब्रेक का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइब्रे कंपनी की ब्रेक है, चूँकि एकदम प्रीमियम बाइक में ये वाला ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता है। और ऊपर ओवरऑल यहाँ से आप देखेंगे तो ब्रेकिंग काफ़ी कमाल का, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा आपको चैनल का यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो खुद एलॉयज में आपको एक ट्यूबलेस टायर ऑफर किया जाता है, एलॉयज काफ़ी खूबसूरत है। और बात करूँ मैं एक बार इसकी टायर की साइजिंग का, इसमें आपको 100x19 R18 18 की आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि अगेन काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कुछ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में दिया जाता है। और ओवरऑल एक बार जो फ्रंट से जो इसका लुक है ना, वो काफ़ी कमाल का और इस बार थोड़ा सा यूनिक टच दिया गया है। तो चलिए इसके साइड प्रोफाइल का मैं बात करूँ। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी बाइक है, आप देखिए कितना हेवी लगेगा आपको देखने में। और यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा सा आपको यहाँ पे साइड लेग गार्ड आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एकदम हेवी है, जो इस बाइक के लिए प्रॉपर सूट कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे। और अगर इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड की आपको एक बैजिंग देखने को मिल जाती है इस साइड में भी, जो कि अगेन थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम होता है। और यहाँ पे इसका इंजन है 648 cc का, आपको ऑयल्ड कूल्ड इंजन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत ही हेवी है। और यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा आपको 650 का ट्विन शॉटगन का एक बैजिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलता है इस बाइक में, एक साइड इस साइड में आप देख सकते हैं और इधर भी एक साइड आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि अगेन बहुत ही प्रीमियम लग रहा है देखने में। और बात करूँ इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग का, तो ब्रेकिंग का यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद ABS के साथ में। चलिए रियर की ओर बढ़ते हैं। रियर साइड की मैं बात करूँ तो इसमें आपको LED में आपको रियर टेल लाइट मिलता है, और यहाँ पे आपको हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स मिलता है। और इस साइड में देखेंगे तो लाइसेंस प्लेट के लिए जो लाइट है वो भी अगेन LED में दिया जाता है, तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने से रियर से। और रियर से एक बार इसका लुक जरूर चेकआउट करो, काफ़ी थोड़ा सा वाइड लगेगा आपको ये बाइक देखने में, काफ़ी हेवी है बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप सबसे पहले नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल सीट आपको है, चूंकि ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका डबल सीट आता है। ये एक सीट आप चाहे तो रिमूव कर सकते हो थोड़ा सा एक बॉबर रूप देखने के लिए, ताकि थोड़ा सा और मस्कुलर लगे। आप चाहे तो सिंगल सीट में भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ कोई पर्सन है तब आप सीट को भी अलग से लगा सकते हैं और दो लोग जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिंगल सीट मिलेगा, इसमें आपको डबल सीट ही मिलता है। लेकिन जो
कन्वर्टेबल है, आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, वापस से लगा सकते हैं, तो काफी कमाल का लुक आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़ा सा आपको फ्यूल टैंक मिल जाती है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 13.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल अप टू E20 का मतलब है कि आप एथेनॉल 20% तक का फ्यूल का आप पेट्रोल यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन अभी सभी बाइकों में ये चीज ये ऑप्शन लग के आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रॉयल इनफील्ड की एक अगेन स्टिकर देखने को मिल जाती है, प्यारा ब्लैक फिनिश में इसका आपको लॉक देखने को मिल जाती है फ्यूल टैंक का। बात करूँ इसकी हैंडल बार का, तो इसका हैंडल बार काफ़ी थोड़ा सा वाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हैंडल बार में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एक रॉयल इनफील्ड की बैजिंग अलग से, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हैंडल बार में भी। और सबसे पहला जो अट्रैक्शन आएगा ना वो इसकी MID में, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस फुल्ली आपको डिजिटल देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ ये वाला जो है ये आपको एनालॉग मिलेगा। और यहाँ पे आप बहुत सारे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए गियर्स वगैरह है, टाइम वगैरह है, ट्रिप है और कितना चला है, यहाँ पे देखिए फ्यूल है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक अलग सा स्क्रीन आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो स्क्रीन देख रहे हैं ना ये एकदम डिफरेंट है, इस बार रॉयल इनफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है अपने शॉटगन में। बेसिकली ये आपको बताएगा कि कितने किलोमीटर बाकी है, अगर आप जो फ़ोन से हम लोग मैप लगाते हैं कहीं पे जाने के लिए उसके लिए है, बहुत ही हेल्प करेगा ये इनबिल्ट, आपको गूगल की तरफ से टाइप है। और काफ़ी अच्छा है ये फंक्शन, आपको बार बार अपने फ़ोन को निकालने की ज़रूरत नहीं है किसी भी लोकेशन पर जाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है, चेक लाइट जैसे कि फ्यूल का, बैटरी, ABS, न्यूट्रल और इंजन चेक लाइट, ऑयल के लिए बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। और इस साइड में बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और इसके जस्ट नीचे आपको हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने का आपको बटन यहाँ पे दिया गया है। और इस साइड में आपको हेडलाइट की कंट्रोलर्स आपको देखने को मिल जाएगी, हाई बीम, लो बीम, पास के लिए। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का डेडिकेटेड बटन दिया गया है, और इस साइड इसका हॉर्न दिया गया जो कि काफ़ी कमाल का हॉर्न है। और बात करूं इसकी सबसे खास एडवांटेजेस का ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो आप कलर्स देख रहे हैं इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे अगर आप हाईली ट्रैफिक में चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके जो थ्रो है इसकी जो डिस्टेंस है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। और ओवरऑल मैं क्लच की बात करूँ तो इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। तो बात करूँ इसकी इंजन की तो इसमें आपको 648 cc का 4-stroke एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। और इसकी पावर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 47.65 PS का पावर मिलता है 7250 RPM पे, और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 5250 RPM पे। ओवरऑल इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 22 KMPL का। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इसका सीटिंग पोजिशन आपको दिखा देता हूँ कि आपको कुछ इस टाइप का सीटिंग पोजिशन मिलेगा, और काफ़ी अच्छा सीटिंग पोजीशन है, बेसिकली आपको काफ़ी अच्छा थ्रिल मिलेगा। देखिए कुछ इस टाइप का आपको सीटिंग पोजीशन है, और मेरा जो हाथ है ये प्रॉपर एकदम स्ट्रेट हो गया है, जिससे क्या हुआ ना कि जो ये जो पोजीशन होता था इसमें पेन एक तो पहले हाथ में नहीं होगा, दूसरा आपका जो बॉडी है वो हल्का सा रिक्लाइन है, तो जो ओवरऑल जो राइडिंग का जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी कमाल का है, नेक्स्ट लेवल का, और काफ़ी मज़ा आने वाला है जब भी आप कहीं लॉन्ग ट्रिप में जाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अब इसका प्राइसिंग के बारे में मैं बात कर लूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये तीन मॉडल में आता है, और ये जो आप ये सामने मॉडल देख रहे हैं ये इसका सीट मेटल ग्रे कलर है, और इसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 3.59 लाख से, और जो इसका टॉप मॉडल है वो आती है 3.73 लाख एक शोरूम प्राइस। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इस शोरूम का आपको डिटेल्स एड्रेस बता देता हूँ, मैं इस वक्त हूँ रैमलर ऑटोमोबाइल में जो कि है धनसार धनबाद में। और फर्दर आपको इस गाड़ी से या फिर रॉयल इनफील्ड की किसी भी गाड़ी से कोई डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई गाड़ी आपको बुकिंग करना हो या फिर परचेज करना हो, तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको टोटल सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप चाहे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डील को बुक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास मुलाकात रॉयल इनफील्ड शॉटगन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप भी ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोर ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए डिटेल्स रिव्यू, ताकि आपको अगली गाड़ी चुनने में आपको काफ़ी हेल्प होगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब जब भी मैं आपको न्यू गाड़ी के बारे में कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।